एमएलए गणेश नाइक ने एनएमएमसी आयुक्त से की मुलाकात, कोरोना औषधियों की कमी और इंजेक्शन की कालाबाजारी रोकने की उठाई मांग। कोरोना लॉकडाउन में जहां एक तरफ सभी पार्टियों के नेता घरों में दुबके पड़े हैं, अरौली के भाजपा विधायक गणेश नाइक लगातार मनपा प्रशासक अभिजीत बांगर से मुलाकात कर नवंबईकरों के लिए सेवा और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। मंगलवार को विधायक गणेश नाइक ने नवंबई मनपा आयुक्त से फिर मुलाकात की और अब तक की मांगों पर हो रही कार्यवाही पर चर्चा करते हुए कोरोना की औषधियों की कमी दूर करने एवं इंजेक्शन की कालाबाजारी रोकने की मांग की। उनके साथ पूर्व विधायक संदीप नाइक, पूर्व सांसद संजीव नाइक एवं भाजपा जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत समेत कई पदाधिकारी खास तौर पर मौजूद थे। मैंने उनको बोला कि आर्टिफिशियल शॉर्टेज बनाई जाती है और इंजेक्शन भारी कीमत में और किसी को बेचा जाता है। उन्होंने बोला ऐसा निगाह में हमारे आज तक नहीं आया। मैंने बोला आप जरा आपकी यंत्रणा जरा सक्षम करो, आपको उसका अंदाज आएगा। लोक नेता गणेश नाइक ने आयुक्त से मुलाकात के दौरान कई मुद्दे उठाए। उन्होंने चर्चा में कहा कि जिन लोगों को कोरोना संक्रमण है, यदि उनमें हार्निया या अपेंडिक्स की बीमारी है तो उसका तत्काल ऑपरेशन करने ओटी की शुरुआत की जानी चाहिए। साथ ही प्लाज्मा दान करने वाले नागरिकों को सम्मानित कर उनका प्रोत्साहन किया जाए ताकि दूसरे लोग भी प्रेरित हों। लोक नेता गणेश नाइक ने आयुक्त से मानसून के मद्देनजर आवश्यक कार्यों को भी तत्काल निपटाने का सुझाव दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।